डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रैपिड प्रिपरेशन कोर्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म्स में RPC बोलते हैं, 12th क्लास का बायोलॉजी। आज हमारा इस कोर्स में 10वां लेक्चर है और हम हैं यूनिट 3 में, जिसका नाम है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। इस यूनिट का हम आपको हाइलाइट्स वाला वीडियो पढ़ाकर अपलोड कर चुके हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर की। और ये रहा आज का पहला प्रश्न, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। फाइलेरिया रोग का वाहक है, यानी कि फाइलेरिया रोग का वाहक कौन है। इसके लिए ऑप्शंस हैं नर क्यूलेक्स मच्छर, नर एनोफिलीज मच्छर, मादा क्यूलेक्स मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर। आपके लिए सही विकल्प है मादा क्यूलेक्स मच्छर। आगे बढ़ते हैं, ये रहा दूसरा प्रश्न, एंट अमीबा इनमें से क्या है, जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ और कवक। सही उत्तर है प्रोटोजोआ। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, दमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कैंसर, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आगे बढ़ते हैं, ये रहा चौथा प्रश्न, तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है। ऑप्शंस हैं अधिवृक्क ग्रंथि के उद्दीपन से, कैटोकोलेमिन का रक्त में स्राव, व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन है व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाएक वृद्धि। आगे बढ़ते हैं, इनमें से पश्च विषाणु कौन है, ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, माइक्रोवायरस इन्फ्लुएंजी, इनमें से सभी। सही उत्तर है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी वायरस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, इनमें से कौन सी बीमारी प्रतिऊर्जक द्वारा उत्पन्न होती है, त्वचा कैंसर, हे ज्वर, इंटेरिक ज्वर, गलगंड। सही उत्तर है हे ज्वर। आगे बढ़ते हैं, एलिफेंटेरिस का कारक है, एस्कैरिस, टीनिया, वुचेरिया, एंटी अमीबा। सही उत्तर है वुचेरिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है, टाइफाइड, कुष्ठ, डिप्थेरिया, इन्फ्लुएंजा। सही उत्तर है इन्फ्लुएंजा। आगे बढ़िए, ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं। ऑप्शंस है एलर्जन, टीका, एंटीबॉडी, एंटीजन। सही उत्तर है एलर्जन। आगे बढ़िए, एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षियां हैं, IgA प्रकार के, IgE प्रकार के, IgM प्रकार के, IgG प्रकार के। सही ऑप्शन है IgE प्रकार के। ये रहा 11वां प्रश्न, एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन है, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, दोनों, इनमें कोई नहीं। सही उत्तर है हिस्टामिन। अब आइए अगले प्रश्न से मिलते हैं,
ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। डिप्थेरिया के लिए, पर्ट्यूसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, टेटनस के लिए। सही ऑप्शन होगा टाइफाइड के लिए। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है, एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका पर, टी कोशिका पर, एपिथिलियम कोशिका पर, टी हेल्पर कोशिका पर। सही ऑप्शन है टी हेल्पर कोशिका पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में यौन संचारित रोग है? खसरा, टीबी, गोनोरिया, टाइफाइड। सही उत्तर होगा गोनोरिया। आगे बढ़ते हैं, विषाणु किससे बना होता है? प्रोटीन से, प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से, लिपिड तथा प्रोटीन से, डीएनए और आरएनए से। सही ऑप्शन है प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल से। यह रहा 16वां प्रश्न, विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? फाइकोलॉजी, वायरोलॉजी, बायोलॉजी, भ्रूण विकास। सही उत्तर है वायरोलॉजी। ये रहा 17वां प्रश्न, पीसीआर विधि आवश्यक है डीएनए संश्लेषण में, प्रोटीन संश्लेषण में, एमिनो अम्ल संश्लेषण में, डीएनए संवर्धन में। सही उत्तर है डीएनए संवर्धन में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 18 है जो आपको नज़र आ रहा है, रेस्ट्रिक्शन वीकर है, एक्सो न्यूक्लिएज, एंडो न्यूक्लिएज, लाइगेज, पॉलीमरेज। सही उत्तर है एंडो न्यूक्लिएज। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 19, ओपियम, ओपियम अफीम को कहते हैं, यानी ओपियम किससे प्राप्त होता है? थियासाइनेसिस से, काफिया अरेबिका से, ओराइजा सेटेआइवा से, पेपावर सेमनीफेरम से। सही उत्तर है पेपावर सेमनीफेरम। आगे बढ़िए, निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन यौन संचारित रोग है? टाइफाइड, हैजा, मलेरिया, सिफिलिस। तो इसमें टाइफाइड, हैजा और मलेरिया नहीं होगा, इसलिए आपका चौथा विकल्प सिफिलिस होगा। आगे बढ़िए, बुचेरिया बैक्रोफटाई मनुष्य में फाइलेरियासिस उत्पन्न करता है, यह समूह से संबंधित है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, हेलमिंथ। सही ऑप्शन है हेलमिंथ। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? फेफड़ा, यकृत, आंत और पीलिया। सही आंसर है यकृत यानी लीवर। आगे बढ़िए, जुकाम जिसको साधारण ठंड कहते हैं किससे होता है? रेट्रो विषाणु से, फेज विषाणु से, राइनो विषाणु से, संदल विषाणु से। सही आंसर है राइनो विषाणु से। यह रहा 24वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा रुधिर का कैंसर है? सार्कोमा, लिम्फोमा, ल्यूकेमिया, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है ल्यूकेमिया। बिडाल परीक्षण ज्ञात करने के लिए है, मलेरिया, टाइफाइड, एड्स और कैंसर। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बिडाल टेस्ट का शुरुआत जो है, बिडाल टेस्ट को जो बनाया गया पहली बार, वह टाइफाइड के जांच के लिए ही बनाया गया था, इसलिए इसमें सही आंसर होगा टाइफाइड। आगे बढ़ते हैं, एड्स कारक एचआईवी सर्वप्रथम
नष्ट करता है, यानी कि एचआईवी का, एड्स का जो कारक एचआईवी है वो सबसे पहले किस चीज़ को नष्ट करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट्स को, ल्यूकोसाइट्स को और थ्रोम्बोसाइट्स को। इसमें सही विकल्प होगा हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। आगे बढ़िए, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, कैंसर का, ऑन्कोजिन का, दोनों का, विषाणु का? सही उत्तर है कैंसर का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। एसीटा बुलेरिया इनमें से क्या है, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु? सही आंसर है शैवाल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29। मलेरिया रोग फैलता है नर क्यूलेक्स मच्छर से, नर एनोफेलिज मच्छर से, मादा एनोफेलिज मच्छर से, मादा एडिस मच्छर से? सही आंसर है मादा एनोफेलिज मच्छर से। आगे बढ़ते हैं, कुष्ठ रोग होता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक के द्वारा, इनमें से सभी के द्वारा? सही आंसर है जीवाणु के द्वारा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। ओकोजीन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है, कैंसर के लिए, एड्स के लिए, क्षय रोग के लिए, पोलियो के लिए? सही विकल्प है कैंसर के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, हैजा, इनमें से सभी? सही आंसर है इनमें सभी, यानी कि कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा तीनों जीवाणु से होने वाले रोग हैं। आगे बढ़िए, एसेटा बुलेरिया निम्न में से क्या है, जीवाणु है, शैवाल है, प्रोटोजोआ है, एकल कोशिका प्रोटीन है? सही आंसर है शैवाल। आगे बढ़िए, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, टाइफाइड, मलेरिया, फाइलेरिया, काला ज्वर? सही आंसर है टाइफाइड। आगे बढ़िए, अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है, यानी कि प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति रेगुलर अल्कोहल लेता है यानी शराब पीता है और वो उसको अचानक बंद कर दे तो उस पर कौन सा परिवर्तन होगा, तभी निर्वर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, यकृत का कार्य बंद हो जाना, व्यक्ति का पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो जाना? तो यहाँ देखिए बी और सी हो ही नहीं सकते हैं, इसलिए डी भी नहीं होगा, तो अंतिम विकल्प बचता है ए, इसलिए आंसर ए होगा। आगे बढ़िए, भोज विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है, यानी कि फूड पॉइजनिंग के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह बीमारी किसके संक्रमण से होती है, यानी कि किसके इन्फेक्शन से होती है, इस्चेरेसिया कोलाई, साल्मोनेला, क्लॉस्ट्रिडियम और स्यूडोमोनास? सही आंसर है साल्मोनेला। आगे बढ़ते हैं, विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं, इंटरल्यूकिन, इंटरफेरॉन, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, इनमें सभी? सही विकल्प होगा इंटरफेरॉन। आगे बढ़िए, पहुंच गए आप 38 नंबर क्वेश्चन के पास। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा, जल के द्वारा, कीटों के द्वारा, संपर्क द्वारा? सही आंसर होगा हवा के द्वारा। कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं, एलिसा का, कल्चर का, रसायनों का या विश्लेषणात्मक का? सही विकल्प है एलिसा का। आगे बढ़िए, सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था,
ध्यान दीजिएगा, इसको परजीवी मत समझ लीजिएगा। सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी, इसको ट्रांसजेनिक कहते हैं अंग्रेजी में। सर्वप्रथम निर्मित पारजीवी गाय का नाम कौन सा था? डेजी, डॉली, मेजी, रोजी। आज ध्यान दीजिएगा, ये सब आजकल मॉडर्न में लड़कियों का नाम रखा जा रहा है। आपको ये गाय का नाम है, उसके पारजीवी किस्म का नाम है डेजी, डॉली, मेजी और रोजी। तो आइए सही विकल्प देखते हैं, रोजी। आगे बढ़िए, इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? अजोटोबैक्टर, बैसिलस थुरिएंजेसिस, क्लॉस्ट्रिडियम, अजोला। सही विकल्प है बैसिलस थुरिएंजेसिस। आगे बढ़िए, फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? पिरकनाशी, चूजों की प्रजाति, परजीवी टमाटर, कीटनाशी प्रोटीन। सही आंसर है परजीवी टमाटर। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है माइक्रोब्स, जैविक खाद, जैविक कीटाणुनाशक, ईस्ट। सही आंसर है जैविक खाद। आगे बढ़िए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें सभी। सही आंसर होगा जैविक खाद। शहद का निर्माण करती है, यहाँ देखिए शहद का निर्माण आप जानते हैं कि मधुमक्खी करती है, लेकिन कौन सी मधुमक्खी करती है? नर मधुमक्खी या ड्रोन, कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी, या रानी मधुमक्खी, या नर और रानी मधुमक्खी? सही आंसर होगा सेवक मधुमक्खी, जिसको कार्यकर्ता या श्रमिक मधुमक्खी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नांकित में सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, मटर की। सही विकल्प है गेहूं की। वीर्य का किसमें हिमीकृत किया जाता है, यानी कि वीर्य को किस चीज में ठंडक करके रखा जाता है, संग्रह करके? जल में, सामान्य रेफ्रिजरेटर में, तरल नाइट्रोजन में, इनमें से किसी में नहीं। सही विकल्प होगा तरल नाइट्रोजन में। निम्नांकित में से कौन सा एक कुकुट रोग है? समट, हाइजा, दोनों, टाइफाइड। सही आंसर है टाइफाइड। इनमें कौन सी मछली मेजर कार्प नहीं है? रोहू, कतला, नैनी, मांगुर। सही विकल्प है नैनी। कोकीन इनमें से किसके द्वारा प्राप्त होता है? इरिथोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलाडोना, धतूरा एल्बा, इनमें से सभी। सही विकल्प है इरिथोजाइलम कोका। आगे बढ़िए, सुनहरा धान इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान दीजिए, जिसको गोल्डन राइस भी कहते हैं, इस गोल्डन राइस में कौन सा चीज प्रचुर मात्रा में होता है? थायमिन, फॉलिक अम्ल, बीटा कैरोटीन, राइबोफ्लेविन। सही विकल्प है बीटा कैरोटीन। आगे बढ़िए, पीसी कल्चर यानी मत्स्य पालन किससे संबंधित है? जलीय पौधों से, जलीय जंतुओं से, रेशम के कीट से, लाह के कीट से। सही आंसर है जलीय जंतुओं से। आगे बढ़िए, ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? धान की, गेहूं की, मक्का की, ईख की। सही विकल्प है धान की। जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? मृदा का, पौधों का, जल का, जंतुओं का? सही विकल्प है मृदा का। यह रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 56। वैसे जीवाणुओं के समूह
जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं कहलाते हैं। विकल्प है फ्लॉस्क, मेथेनोजेन, प्लाजिमनोजेन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है फ्लॉस्क। आगे बढ़िए, ये रहा अगला प्रश्न, प्रोबायोटिक्स क्या है? एक नई किस्म का भोजन एलर्जन, सुरक्षित प्रतिजैविक, जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक, कैंसर प्रेरित करने वाला सूक्ष्म जीव। सही विकल्प है जीवित सूक्ष्म जीवी भोजन संपूरक। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, शराब उद्योग में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग होता है? ईस्ट का, लैक्टोबैसिलस का, अमीबा का, टीएमबी का। सही विकल्प है ईस्ट का। दूध से दही बनाने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? क्लॉस्ट्रिडियम का, लैक्टोबैसिलस का, दोनों का, स्ट्रेप्टोकोकस का। सही विकल्प है लैक्टोबैसिलस का। ये रहा क्वेश्चन नंबर 60। जैविक खाद का मुख्य स्रोत है हरा शैवाल, ईस्ट, जीवाणु, लाल शैवाल। सही विकल्प है जीवाणु। आगे बढ़ते हैं, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस। ये रहा सही विकल्प राइजोबियम। आगे बढ़ते हैं, पाश्चराइजेशन में गर्म करते हैं केवल दूध को, किसी भी तरल को 70 डिग्री सी से ऊपर, किसी भी तरल को 100 डिग्री सी पर, किसी भी तरल को 70 डिग्री सी से 80 डिग्री सी पर गर्म करके उसे शीघ्रता से ठंडा किया जाता है। सही विकल्प है किसी भी तरल को 70 डिग्री से 80 डिग्री सी पर गर्म कर उसको शीघ्रता से ठंडा करने की क्रिया को पाश्चराइजेशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर 63। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है अस्थि मज्जा से, पेट से, थाइमस से, यकृत से। सही विकल्प है अस्थि मज्जा से। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है कीटनाशक, जैविक खाद, ईस्ट, इनमें सभी। सही विकल्प है जैविक खाद। इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्म जीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, विषाणु, ईस्ट। सही आंसर है जीवाणु। आगे बढ़ते हैं, किस गैर फली पौधों के जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद होता है? एजिटोबैक्टर, क्लॉस्ट्रिडियम, फ्रांकिया, इनमें कोई नहीं। सही आंसर है एजिटोबैक्टर। निम्नांकित में कौन सा फफूंदी साइक्लोरोस्पोरिन ए बनाता है जो अंग प्रत्यारोपित मरीजों में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में प्रयुक्त होता है? विकल्प हैं ट्राइकोडर्मा, पॉलीस्पर्मा, एरिसाइफी, पक्सिनिया, ग्रामिनिसिस, पेजाइजा। सही विकल्प है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पर्मा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 68। वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेलुलोज पदार्थों पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आंजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं कहलाते हैं मिथेनोजेन, प्लाज्मालोजेन, एमिनोजेन, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है मिथेनोजेन। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 69। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? नील हरित बैक्टीरिया का, प्रोटोजोआ का, नेमाइटोड्स का, गेहूं के पौधों का। सही विकल्प है नील हरित बैक्टीरिया का। ये रहा
क्वेश्चन नंबर 70, बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, थाइमस में, रक्त में, लिम्फ या लसिका में? ये रहा सही आंसर, अस्थि मज्जा में। अब इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कोई शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के जरिए हमें सूचित करें, और हम फिर मिलते हैं आपसे इसके बाद वाले वीडियो में, जो इसी यूनिट यानी यूनिट 3 का शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर का वीडियो होगा। इसके बाद इस यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का वीडियो होगा। फिर हम लोग चौथे यूनिट में चलेंगे, जिसके लिए 4 वीडियो, और फिर पांचवे यूनिट के लिए 4 वीडियो आपके लिए लेक्चर देकर हम अपलोड करेंगे। फिर हम आपके लिए ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव शॉर्ट और लॉन्ग का जो है परीक्षा की व्यवस्था करेंगे, और आपको मॉडल सेट उपलब्ध कराएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।